कर्नाटक में जारी राजनीतिक संकट के बीच मुख्यमंत्री कुमार स्वामी ने शुक्रवार को स्पीकर से बहुमत साबित करने के लिए वक्त मांगा है। उन्होंने विधानसभा में कहा कि राज्य में जैसी स्थिति है उसे देखते हुए उन्हें बहुमत साबित करने के लिए समय दिया जाए। गोवा में कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल होने वाले बागी विधायकों को पार्टी छोड़ने के इनाम के रूप में मंत्री पद मिल सकता है। खबर है कि सत्तारूढ़ भाजपा में शामिल होने वाले कांग्रेस के 3 असंतुष्ट विधायकों समेत 4 विधायकों को शनिवार को राज्य मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को अहमदाबाद की स्थानीय कोर्ट ने जमानत दे दी है। राहुल गांधी ने कोर्ट में जमानत के लिए अर्जी दी थी। कोर्ट ने राहुल की जमानत अर्जी स्वीकार कर ली। राजस्थान के बूंदी जिले में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शाखा के दौरान 2 गुटों में झड़प हो गई। इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें कुछ लोग हाथापाई करते दिख रहे हैं। इस मामले पर बूंदी के तहसीलदार पीएस राठौर ने कहा कि आरएसएस की शाखा के दौरान ही पास के ही पार्क में मुस्लिमों का एक कार्यक्रम चल रहा था। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। चारा घोटाला के देवघर कोषागार मामले में सजा काट रहे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। शुक्रवार को हाईकोर्ट ने उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए जमानत दे दी है। उत्तराखंड के ऋषिकेश में गंगा नदी पर बने लक्ष्मण झूला को 90 सालों में पहली बार आम यात्रियों के लिए बंद कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि ब्रिटिश काल में बने इस पुल की खराब हालत को देखते हुए एहतियात के तौर पर प्रशासन ने आदेश जारी किए हैं। मानसूनी बारिश के चलते कई जगहों पर भारी बारिश हो रही है। बिहार में भी भारी बारिश का दौर जारी है। वहीं दिल्ली एनसीआर में अभी भी बारिश का इंतजार किया जा रहा है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले 3-4 दिनों तक अभी दिल्ली में बारिश के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने सोशल मीडिया पर चल रहे बॉटल कैप चैलेंज पर हाथ आजमाया है। इंस्टाग्राम में उन्होंने बॉटल कैप चैलेंज का वीडियो शेयर किया। रिजिजू ने वीडियो के कैप्शन में लिखा है कि ड्रग्स को ना कहिए, फिट इंडिया के लिए तैयार रहिए। रोहित शर्मा ने सेमीफाइनल मुकाबले में न्यूजीलैंड के खिलाफ 1 रन बनाकर आउट हो गए थे। रोहित ने ट्वीट किया कि मैच में 30 मिनट के खराब खेल ने हमसे वर्ल्ड कप जीतने का मौका छीन लिया। अधिकांश समय हरे निशान में कारोबार करने के बाद अंतिम समय में छाई बिकवाली के कारण घरेलू शेयर बाजार एक बार फिर लाल निशान में बंद हुए। संवेदी सूचकांक सेंसेक्स 86 अंकों की गिरावट के साथ 38,736 अंकों पर बंद हुआ। निफ्टी 30 अंकों की गिरावट के साथ 11,552 अंकों पर बंद हुआ।